हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे टिटहरी के बारे में। टिटहरी को अंग्रेजी भाषा में सैंड पाइपर और लैपविन के नाम से जाना जाता है। टिटहरी की लंबाई लगभग 12 इंच होती है तथा इसका वजन लगभग 300 ग्राम होता है। इसके पंखों का फैलाव 35 इंच होता है। नर टिटहरी मादा टिटहरी को हवाई करतब दिखाकर मोहित करता है। मादा टिटहरी का आकार नर टिटहरी से छोटा होता है। टिटहरी की टांगें लंबी व गर्दन और चोंच छोटी होती है। टिटहरी एक मनमौजी पक्षी है। टिटहरी के बारे में ऐसा कहते हैं कि जिस दिन टिटहरी पेड़ पर रहने लगेगी तो समझ लो दुनिया का विनाश हो जाएगा। आपने कभी भी टिटहरी को पेड़ पर घोंसला बनाते या बैठते नहीं देखा होगा। यह ज़मीन पर ही अंडे देती है और ज़मीन पर ही रहती है। मादा टिटहरी 4 अंडे देती है। इसके अंडे का रंग मिट्टी व पत्थर जैसा होता है, जिसकी वजह से ज़मीन पर रखे इसके अंडे आसानी से दिखाई नहीं देते। अंडों से बच्चे लगभग 28-30 दिन में बाहर आ जाते हैं। टिटहरी अपने बच्चों के देखभाल बड़ी जिम्मेदारी के साथ करती है। अगर कोई पक्षी इंसान इसके अंडों के पास जाता है तो यह बहुत तेज़ दौड़ती है और बहुत तेज़ आवाज़ें के साथ चीखती है और उनके चारों तरफ भागती रहती है। कभी कभी यह हमला भी कर देती है। टिटहरी पक्षी नदी, झील, तालाब आदि के पास रहना पसंद करता है। यह कम उड़ना पसंद करता है। यह पेड़ों पर कभी भी नहीं बैठता। भारत में टिटहरी की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। टिटहरी भारत के लगभग सभी राज्यों में पाई जाती है। टिटहरी हमेशा आसमान की तरफ पैर करके सोती है, क्योंकि इसको ऐसा महसूस होता है कि आसमान कभी भी गिर सकता है। इसलिए यह डर की वजह से अपने दोनों पैरों को ऊपर करके ही सोती है, ताकि आसमान अगर गिरे तो यह अपने पैरों से आसमान को रोक ले। टिटहरी को मानसून का भी पता पहले ही लग जाता है, इसीलिए यह अपने अंडे मानसून के हिसाब से रखती है। अगर बारिश ज़्यादा होती है तो यह अपने अंडे ऊंची स्थान पर रखती है। भोजन की तलाश में टिटहरियाँ छोटी छोटी दौड़ लगाती रहती हैं। यह रुककर सीधी खड़ी हो जाती है और फिर झुककर शिकार चोंच में दाब लेती है। टिटहरी उड़ान बहुत तेज और सीधी भरती है। यह कीड़े मकोड़े और अन्य छोटे रीढ़हीन जंतुओं के साथ नरम कीचड़ से बनी हुई वनस्पतियां भी खाती हैं। टिटहरी पानी के भरे हुए खेतों, तालाबों, नदियों के किनारे ज़्यादातर दिखाई देती हैं। टिटहरी के पेट का हिस्सा सफ़ेद होता है। टिटहरी जब चलती है तो इसके सिर और पूंछ ऊपर नीचे होता है, जिसको टैटरिंग कहते हैं। टिटहरी की उम्र लगभग 15 साल तक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।